नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। कांगड़ा में पीएसएल पीड़ितों की एक कमेटी गठित की लोकसभा लेवल से, और अगले तीन दिनों में जो दूसरे हिमाचल के लोकसभा हल्के बनते हैं वहां जाकर अपनी कमेटी गठित करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करें, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब का बटन सफेद है तो क्लिक ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। जितने हमारे पीड़ित भाई बहन हैं उनको हम गठित करेंगे। अगर पैसे ना दिए लोगों को जरूर लड़ेंगे, लड़ाएंगे। अगर पैसे मिल गए तो हमें ना राजनीति करनी है ना जरूरत है। अगर पैसे ना मिले तो 19 में हम सरकार से टकरेंगे। क्या लगता है, मिल जाएंगे पैसे? देने पड़ेंगे सरकार को। हम सरकार के खजाने से पैसे थोड़े ही मांगते हैं। जे पैसे हमारे पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रखी है कंपनी ने, उस प्रॉपर्टी को सेल करके लोगों को पैसे दे दे। सरकार का तो इसमें कुछ नुकसान ही नहीं है। सरकार को तो बल्ले बल्ले हो सकती है अगर मोदी जी, जेटली जी लोगों को पैसे दे दे। 5,85,00,000 कस्टमर हैं, तो कितने परिवार होंगे उनके जिनका इन पैसों से उनके घर का गुजारा होना है। आने वाली उनकी जो योजना है उन पे उनको लागू करनी है उन्होंने। किसी ने बेटी का ब्याह करना, किसी ने बच्चों की पढ़ाई करनी, किसी ने मकान बनाना। इस कंपनी में 50,000 करोड़ फंसा हुआ है। अगर सरकार ईमानदारी से वर्क करे तो लोगों को पैसा मिल सकता है।